हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का क्या प्रोग्राम है? आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक अपने भाई के शादी के लिए सामान लेने के लिए। तो अभी मैं पापा जी आ रहे हैं, अभी ऑटो बुक कर रखा है, तो अभी ऑटो आता ही होगा। करीब एक घंटा वेट करने के बाद भाई और उसके चाचा जी आ गए हैं। बस अब करते हैं शुरू, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। उसका भाई भी आने वाला है, उसका भी वेट कर रहा है, अभी भी थोड़ा टाइम लगाएगा आने में। तो कैसा लग रहा भाई तुझे कि बड़ा भाई तेरा भी कुंवारा है, तुझे शादी की पड़ी हुई है? क्या कहना चाहेगा इस बारे में? जब तक जवाब चाहती होगा कि तेरा बड़ा भाई अभी कुंवारा है, तुझे शादी की पड़ी है, मैं इसका जवाब चाहता हूँ। अबे तेरे को इसका जवाब देना है, मैं तुझसे बाद में इसका जवाब दूंगा। अभी 20 तो निकाले, 20 और हाँ से सही निकालने। पूरी वीडियो में बता दे कितने रुपए निकाले तूने। 20 रुपए? हाँ, ATM से 20 रुपए आते हैं भाई। खड़ा बोल, अबे फोन है तो फोन भी कर लिया कर भाई। चल आ जा, आगे आ जा। हाँ, मेरे पापा जी और उनके चाचा जी, यहाँ आग लगी पड़ी है, उनको चाय की पड़ी है भाई। कैसी निकलेगी यार गाड़ी? हाँ तुझे जो मैंने सवाल पूछा था उनका जवाब तो दे भाई। तुमको मैंने उसका सवाल पूछा था कि बड़ा भाई कुंवारा बैठा है और तुझे शादी की पड़ी है, और तेरी इसका जवाब चाहती है। मेरे अठानवे सब्सक्राइबर तुझे छोड़ेंगे नहीं, इसका जवाब दे भैया। अपलोड कर देगा यार, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बता भाई क्या कहना चाहेगा, कुछ टिप्पणी देना चाहेगा इसके बारे में? तो ऐसे मुंह बंद करके क्यों बैठा है? तुझे दांत छुपा रहा है ना भाई? ये क्यों कर भैया? अपलोड करेगा ना, दिक्कत नहीं है। अब तो मैं और करूंगा। तूने बोला है उसमें फोटो वगैरह खींच के जूम करके तेरा वो थंबनेल बना दूंगा। एक घंटे बाद आएगी। आप अपने ब्लॉग में अपने आप को तो डालो। अरे मैं तो आ ही रहा हूँ, मुझे चांदनी चौक को दिखाना है ना, यहाँ डेवलपमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होगा। रोड उठा दी तो बस दिक्कत हो जाएगी सबकी। छोटी मोटी शॉप सर वो इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा है कि इसको तोड़ के डेवलप करना ही अपने आप में चैलेंज है। चैलेंज क्या है? बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो अरे अरे दूसरी बार भी वही हो जाएगा मेरा। देखो लगा लो, आज एक और बाइट, ये चौथी बार होता है। बाल बाल बचा, मेरा पहले वाले वीडियो भी तो इसी के बारे में था। अरे उसमें साफ साफ दर्द दर्द क्या, मेरी हालत खराब थी। मैंने कहा चल कोई नहीं, चुपचाप करके मुंह करके निकल लो, चुपचाप रखा कोई नहीं। तो सर ये ट्राइपॉड अंदर रखा, चुप्पे से छुपाया, मोबाइल निकाला, छोड़ो अब भैया की जो हालत टाइट है भाई। तेरे को भी तो काटा नहीं है ना, इसे तेरे लग नहीं रहा। पर ये देखना नहीं, काटा तो मुझे भी नहीं आता। अच्छा, मुझे तो काट रखा ना तीन बारी। कान कर गया आगे की तरफ, इसको रोक देते हैं। बाबू जी कितने चाहिए सर? अरे हमको 40-50 से कितने की है? 40 खत्म हो गए। भेजते हैं कि या फिर बनाना सूझा होता ना, कितना टाइम लगता है? कैसे लग रहा है? बहुत ही मजा वाला है। भैया की वीडियो बना रहा हूँ। अबे साले एंगल सेट किया हुआ है ये।
ये थोड़ा और ये शादी वाले को नहीं लग रहा ना, थोड़ा अलग सा लग रहा है ये, फिर भी ठीक लग रहा है। तीन के थे ना यार, थोड़ा इधर छीट वाला नहीं था वो, जो ऐसे वो लगा रखा ना उसको। पहले तो धागे वाले आते थे, इनके लिए वो नहीं आ रहे क्या? ये वाला आ रहा है, ये माइक्रो वाला, अभी माइक्रो धागे वाला दूसरा है, धागे वाला इसी में, इसी में नहीं है दूसरा में। अरे भैया अभी दोस्तों दीदी है, सब जेंट्स मिला के सब कलर मिला के फोटो खींच के भेज दे, इसलिए भेज दिए ना। ये आइटम बहुत लाइट है भाई, आप ये देख रहे हो मना कर रहे हैं, देखा ही नहीं मम्मी ने अभी। बात दिया फोन चले रे मुझे ले कितनी आना दे दो तो आ दे दो आप बताओ, ये धागे वाला पर ये बड़ा है, मैसेज भी थोड़ा बहुत बड़ा है, ये रेलवे का टाइम पटका है, ये दुकान में अच्छा नहीं है ये ब्लू कलर का आ जाएगा इसके पीछे धागा, ब्लू नहीं चाहिए, ब्लू नहीं भैया, और क्या होता है बस यही होता है इनके पीछे वो ना, ये वो नहीं है, जलेबा जलेबा। आप कौन वाला है? आपका सीएनजी वाला है, पेट्रोल वाला है, सीएनजी डलवा लो 30,000 रुपए साले का, खोपड़ी तोड़ खोपड़ी तोड़ साले का। ये अब चांदनी चौक का लुक है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं तो पहले यहाँ बहुत भीड़ होती है, पंजाब का पूरा कोल्ड रोड, यही तो लाल किला पूरा सामने, लाल किला उसके सामने ये ला पूरा। अरे यहाँ बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब सही है, अब थोड़ा चलने के हिसाब से सही है, सिर्फ रिक्शा अलाउड है यहाँ पर, बाकी पैदल चलने वाले, पर पहले गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ था। और ये रहा आपका शीशगंज का गुरुद्वारा, पीने का पानी है, पीना यहीं पर मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा पूरा, देख पानी आ जाए, गुरुद्वारे का पानी पीते हैं। मीठा तो नहीं है पानी पीने जितने में ये आया ना, है 8-10 साल बाद रिक्शे में बैठा हूँ, हैंड रिक्शा में, और वो भी उल्टी तरफ। ऐसी पगला जाए में, हम तीन बैठे हैं, मैं चाचा जी और मेरे पापा जी पीछे बैठे हैं, बाकी दो जो हमारे भाई हैं मौसी के लड़के दो, वो आ रहे हैं उस वाले रिक्शे में, पीछे वाले रिक्शे में, ये वाले रिक्शे में, ये रहे।
यहाँ से जल्दी से यहाँ से ड्राई फ्रूट्स ले लो फिर। बता जी आगे देखना कि यही लेना आज आ जाओ आगे सारा मेरी बना के फाइनली अब शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। ड्रॉप कर दिया है मेट्रो की तरफ। मेट्रो चलिए जी अब हम आ चुके हैं डेयरी से और करीब अभी बजा है 10:15। चलते हैं और मिलते हैं आपसे।